पुराने वक्त के शमशान घाट से लेकर इंसानों के स्कल्स तक, आज हम आप लोगों को पांच ऐसे अजीबोगरीब आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले नंबर पर है ए पिट ऑफ एम्पुटेटेड आर्म्स। दोस्तों 2012 में जब कुछ खोजकर्ता फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर्स पर खोज कर रहे थे तो उन्हें वहां पर एक पिट मिला जिसके अंदर इंसानों के हाथ, पैर और उंगलियों की हड्डियां भी थी। हो सकता था कि ये वर्ल्ड वार दो के समय की निशानी हो, लेकिन जांच करने पर पता चला कि ये हड्डियां 6000 साल पुरानी हैं और खुदाई करते वक्त उन्हें वहां पर 5 एकड़ की जमीन में 60 प्राचीन पिट्स भी मिले थे जिनमें की 14 में इंसानों की हड्डियां भी थी। उनमें से हर पिट एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग था। एक में तो सिर्फ हाथों की हड्डियां थी जो कि करीब 12 से 15 साल के बच्चों की थी और एक दो एडल्ट्स और करीब 3 बच्चों की हड्डियां भी वहां पर मिली थी जिनमें से 1 साल के बच्चे की भी हड्डी वहां पर मिली थी। हमारे वैज्ञानिक इस टॉपिक पर अभी भी नहीं पता लगा पाए हैं कि उस जगह पर ऐसी दर्दनाक घटना का आखिर क्या कारण था, पर वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी युद्ध के समय में ये मौतें हुई होंगी। इससे हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में कितने सारे वार्स हुए होंगे। दूसरे नंबर पर है एंशियंट पेट सिमेट्रीज। दोस्तों लीमा के कैपिटल सिटी परवियन में खोजकर्ता को बहुत जगहों पर हजारों साल पुरानी चीजें मिली हैं। यहाँ पर पूरी कंट्री में अब तक काफी सारे शमशान घाट भी मिल चुके हैं जिनमें की इंसानों और कुत्तों की हड्डियां भी मिली हैं। और आपको बता दें कि ये हड्डियां 900 से 1350 एडी के समय की हैं, जब वहां पर कोलंबियंस का राज हुआ करता था जिन्हें की चिरबाया कहा जाता था और वे खेती बाड़ी के काम करने के लिए जाने जाते थे। उन हड्डियों के साथ वहां पर कुछ खिलौने और कुछ चादरें भी मिली हैं और वहां पर हर इंसान के शमशान के साथ एक कुत्ते का शमशान भी मिला था जिससे पता चलता है कि उस समय कुत्तों की काफी ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी। लेकिन इसके ऊपर कुछ लोगों का अलग ही मानना है। उनका कहना है कि उस समय डॉग्स का बलिदान भी दिया जाता था जिसकी वजह से वहां पर इतने ज्यादा कुत्तों के अवशेष मिले हैं। लीमा जू के नीचे भी आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे ह्यूमन बोन्स मिले हैं जिनकी जांच करने पर पता चलता है कि उन्हें मारने से पहले काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था, इसलिए उस समय के लोगों के बारे में हम आज भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन बहुत से खोजकर्ता इनके ऊपर आज भी खोज कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर है ह्यूमन हेड्स ऑन स्टेक्स। दोस्तों करीब 8000 साल पहले स्वीडन में हंटर्स की एक सोसाइटी हुआ करती थी जिन्हें की मेसोलिथिक सोसाइटी भी कहते थे। वे वहां के मोटाला रिवर के पास रहते थे। वहां पर काम कर रही टीम को अब तक जानवरों की हड्डियां, शिकार करने के हथियार और इंसानों की हड्डियां भी मिल चुकी हैं। और तो और हमारे वैज्ञानिकों को वहां पर ह्यूमन स्कल्स बड़ी लकड़ियों के ऊपर टंगे हुए भी मिले थे जो कि सबसे चौंका देने वाली चीज थी, इसलिए ही उस जगह को कैनाली जॉर्डन कहते हैं। वहां पर मिले सभी स्कल्स को देखने के बाद हमें एक चीज काफी ज्यादा अजीब लगी थी, वो था उन स्कल्स की जा बोन्स का गायब होना। और उन स्कल्स को देखकर ये पता चल रहा था कि उन लोगों को काफी दर्दनाक तरीके से मारा गया था। उन सभी स्कल्स पर चोटों के निशान भी मिले थे। इस तरह की खोज अभी तक स्वीडन में और कहीं भी नहीं हुई है जिसकी वजह से वहां पर काम कर रहे खोजकर्ता भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं और आज भी वहां पर इसके ऊपर खोज जारी ही है। चौथे नंबर पर है 15वीं शताब्दी की चुड़ैलों की जेल। दोस्तों 1597 के ग्रेट विच हंट के दौरान स्कॉटलैंड के अबेडिन में 23 औरतों और एक आदमी को काला जादू करने के अपराध में एग्जीक्यूट किया गया था। माना जाता है कि स्कॉटलैंड में दो जगहों पर उस समय जादू करने वाले लोगों के लिए जेल बनाई गई थी। उनमें से एक जगह है चैपल ऑफ सेंट मैरी। ये उस वक्त की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी। खोजकर्ताओं को वहां पर दीवार से लगे हुए काफी ज्यादा मेटल रिंग मिले हैं। पहले तो उन्हें ये लगा कि उनका कोई मतलब नहीं होगा, पर जांच करने के बाद पता चला कि उस वक्त लोगों को उसी से बांधकर टॉर्चर किया जाता था जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग बात है। उस वक्त काफी लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। काफी लोग जो काला जादू करते थे उन्हें जलाकर मार भी दिया गया था। बहुत जगहों पर खोज करने के बाद अभी तक भी रिसर्चर्स को 2000 लोगों की हड्डियां मिल चुकी हैं जो कि काफी ज्यादा चौंकाने वाली बात है। पांचवे और आखिरी नंबर पर है द मैन बैग। दोस्तों करीब 4000 साल पहले नॉर्दर्न वियतनाम में एक बहुत ही बीमार आदमी को मैन बैग में दफन किया गया था। वो आदमी फुंग कल्चर से बिलोंग करता था। जब खोजकर्ताओं ने उसे जमीन से निकाला तो उन्होंने देखा कि वो बाकी दफन किए गए लोगों की हड्डियों से काफी ज्यादा अलग था क्योंकि बाकी लोगों को बिल्कुल सीधे पोजीशन में दफन किया गया था, पर उसकी पोजीशन बाकियों से काफी ज्यादा अलग थी। जिसके बाद 2007 में डॉक्टर मार्क ओग्जेहम ने ये डिस्कवर किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी
किडनी पूरी तरह से पैरालाइज थी और उनकी हड्डियों से ये भी पता चलता है कि मरने से पहले उन्होंने काफी कुछ सहा भी था, क्योंकि उनके हाथ पैर वे किसी भी चीज में इस्तेमाल नहीं कर पाते होंगे। लेकिन फिर भी उनकी उम्र मरते वक्त काफी ज्यादा थी, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय में उनके पास काफी ज्यादा केयर टेकर थे जो कि उनका काफी अच्छी तरीके से ख्याल रखते थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसी रहस्यमय वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।